ये वाहिद पैसेंजर ऐसी है कि जिसमें जो लेडीज़ का है डब्बा वो अलग है। गाड़ी अचानक से ना नो पावर हो गई, तो अभी वायरमैन वगैरह आए हुए हैं और वो इसको इंजन को अटेंड कर रहे हैं। रिजवान भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हैं? यार बीमा का नंबर नहीं मिलता ना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूं कोयटा स्टेशन पे। आज हमारा प्लान जो है वो थोड़ा सा ये है कि यहां से हम जाएंगे चमन, और चमन के लिए एक पैसेंजर ट्रेन यहां से चलती है जो कि हमारे पीछे आपको नज़र आ रही होगी। लोकोमोटिव का नंबर जो है 5110 है, और ये अभी यहाँ से 8:30 बजे इसका डिपार्चर होगा और चमन तक जाएगी, और चमन जाने के बाद फिर वहाँ से यही गाड़ी वापस आएगी। तो हम बिल्कुल रेडी हैं और गाड़ी भी ऑन ट्रेन हो चुकी है, और अब जो है बस गाड़ी के विसल का इंतज़ार है। टाइम अभी पूरा नहीं हुआ, टाइम अभी रहते हैं 2-3 मिनट रहते हैं, जैसे ही टाइम मुकम्मल होता है गाड़ी विसल देगी और हम मंजिल की तरफ रवाना होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें आज के ब्लॉग में, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी चीज़ें हम बताने वाले हैं। अच्छा गाइज, अभी कोयटा जो है वो 384 किलोमीटर पे है, और ये सामने बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये है 385 किलोमीटर का। हमने अभी सफ़र करना है 142 किलोमीटर का, और 142 किलोमीटर जाएंगे चमन, 142 किलोमीटर बाद आएगा, और 142 किलोमीटर का सफ़र करके फिर हम शाम इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। तो इस सफ़र को इंजॉय करने के लिए रहिए हमारे साथ। अच्छा गाइस, इस पैसेंजर के बारे में आपको बताते चलें कि ये आज लोकोमोटिव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5110 है, RG20 इसकी क्लास है लोकोमोटिव की, और यहाँ से इस गाड़ी का भी डिपार्चर होने वाला है। इस ट्रेन की अगर बात कर रहे हैं तो इस ट्रेन में टोटल जो है वो 4 डब्बे हैं, जिसमें से एक ब्रेक वान भी है। मतलब 4 डब्बों में से 3 डब्बे पूरे मुसाफरों के, और एक डब्बा जो है उसमें आधे मुसाफरों की जगह होती है और आधी ब्रेक वन होती है जहाँ पे गार्ड होता है। तो गाड़ी बिल्कुल रेडी है, अभी विजिल देगी ये। अच्छा, एक और चीज़ बता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद पैसेंजर ऐसी है कि जिसमें जो लेडीज़ का है डब्बा वो अलग है। आपके साथ भले आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं और आपके साथ सारी लेडीज़ हैं, और आप अकेले जेंट्स हैं, या मतलब कुछ लेडीज़ और कुछ जेंट्स हैं, तो आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते। आपको इसमें मतलब लेडीज़ जो बोगी है उसमें आपको बिठाना होगा लेडीज़ को, और आपको जाके बैठना होगा जेंट्स वाले डब्बे में। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे पाकिस्तान में यहीं मिलेगा चमन पैसेंजर पे। गाइस, सिग्नल डाउन हो चुका है और ट्रेन जो है वो भी बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। चमन पैसेंजर का राइट टाइम कोयटा से डिपार्चर हो चुका है। अच्छा गाइस, सीन्स कुछ यूं हुए हैं कि अभी हम कोयटा से, जैसे ही डिपार्चर हमारा हुआ तो गाड़ी अचानक से ना नो पावर हो गई। तो अब जैसा कि आगे अपग्रेड का सेक्शन आता है तो रिस्क नहीं लेते ये, अगर कोई मसला होता है तो उसको फ़ौरन से अटेंड करते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो अभी वायरमैन वगैरह आए हुए हैं और वो इसको इंजन को अटेंड कर रहे हैं, और देखते हैं कि इंजन अटेंड करने के बाद यही इंजन जाता है या फिर इंजन दूसरा रिप्लेस करके देते हैं। तो इसलिए अभी हम फ़िलहाल कोयटा से निकलते साथ ही थोड़ी देर रुक गए, और जैसे ही कुछ मामला होता है तो हम जर्नी को अपनी का दोबारा आगाज़ करेंगे। रिजवान की आवाज़ आ रही होगी, रिजवान क्या कह रहे हैं? गाइस, गाड़ी जो है इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में रवाना होगी, बाकी स्टाफ जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और आपको मिलवाता हूँ एक उदास पंछी से
ये उदास पंछी आपको बैठा हुआ नजर आ रहा होगा। रिजवान भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहे हैं? यार बेगम का नंबर नहीं मिलता। अच्छा बेगम का नंबर नहीं। मुझे लग रहा है कि मिल गया, मिल गया नंबर, मिल गया। एक मिनट बस मैं। चले यार, रिजवान भाई की बेगम का नंबर मिल गया। सुबह से मिल नहीं रहा था, परेशान हुए हुए थे। वो समझे शायद उनकी बेगम ने उनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनको लेके नहीं आया ना, ये दोस्तों के साथ अकेले अकेले घूमने के लिए निकला है। तो चलें, जब तक ये अपनी बेगम को मनाएं, हम वेट करते हैं कि लोकोमोटिव हमारा ओके हो जाए, तो हम जर्नी का आगाज़ करें और सफ़र को एंजॉय करें। स्टाफ आया है और आई थिंक ये जो इशू था उसको फाइंड आउट कर लिया है और उसको अभी सॉल्व करेंगे और फिर ये सफ़र जो है वो आगे दोबारा से कंटिन्यू होगा। इंजन में छोटी सी ट्रबल थी और वो सेट हो गई है और अब सफ़र का आगाज़ हो चुका है दोबारा से। कोयटा से चमन जाते हुए सबसे पहले तो दो चार स्टेशन तक खुले मैदान और रेगिस्तानी इलाके नज़र आते हैं, फिर कचराक से ज़रा पहले पहाड़ी सिलसिले शुरू होते हैं और उनका मंज़र बहुत दिलकश होता है। पहुँचे हैं कचलाक रेलवे स्टेशन पे और दो स्टेशन पहले और थे जहाँ पे गाड़ी ने स्टॉप किया था, लेकिन फ्लैट सेक्शन है और नॉर्मल सा ही, मतलब कोई ज़्यादा कोई इसमें खास ऐसी चीज़ दिखाने वाली नहीं है। कचलाक के बाद आपको बताता चलूँगा, जैसे ही यहाँ से हम निकलेंगे तो लाइन के ऊपर ही बाज़ार बना हुआ होता है और जैसे ही गाड़ी करीब आती है तो वो सारे अपना सामान उठा के साइड पर करते हैं और गाड़ी निकल जाती है। जिस तरह का आपने देखा होगा, सुना है मैंने, वल्ला आलम किस तरह का सीन होने वाला है वो अब हम आगे चल के देखते हैं। और आगे चल के पहाड़ी सिलसिला शुरू होंगे और वो एरियाज़ हैं देखने वाले। यहाँ तो फ़िलहाल नॉर्मल सा ही, जैसा कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा पहाड़ वगैरह भी हैं, लेकिन पहाड़ जो हैं वो थोड़ा दूर है, पीछे शायद वीडियो में क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन ये कि आपको इंशाल्लाह ताला आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो रहिए हमारे। गाइज़ अभी हम पहुंचे हैं बोस्तान स्टेशन पे और बोस्तान स्टेशन के बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पे है बोस्तान स्टेशन और बोस्तान स्टेशन से पहले अभी हमारी गाड़ी ने, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से दूसरी लाइन पे आई और बोस्तान स्टेशन पे गाड़ी सीधी नहीं जाती। गाड़ी हमारी आई है वहाँ से आने के बाद इसने वापस यहाँ जाना है, लेकिन बोस्तान स्टेशन जो है वो है हमारा इस तरफ, तो इसलिए अगर ये गाड़ी वहाँ से सीधी जाती स्टेशन पे तो गाड़ी उल्टी हो जाती, मतलब इसके इंजन का फिर टर्न टेबल होता,
या जिस तरह हबीबपुर स्टेशन में इंजन के टर्नटेबल होने के बाद पटली से लगता है या दूसरा इंजन आके यहाँ से लगता है, तो इसलिए ये गाड़ी यहाँ से आने के बाद इस तरह कर्व करके इधर आती है, आने के बाद बैक जाएगी बोस्तान स्टेशन पे, वहाँ पे अराइवल होगा, मुसाफिर उतरेंगे और चढ़ेंगे और उसके बाद फिर वापस ये चमन की तरफ अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएगी। ऐसे व्यूज़ आपको पाकिस्तान में किसी जगह पे नहीं मिलेंगे, ये व्यूज़ और ये इस तरह की वर्किंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुबह बलूचिस्तान और चमन वाली लाइन पर आपको नज़र आएंगे। वो वहाँ से आई है हमारी गाड़ी और यहाँ से ऐसे गोल कर्व करती हुई आ गई है यहाँ पे। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। ये अब हमारी गाड़ी बैक हो रही है और बैक होके स्टेशन की तरफ गाड़ी अप्रोच कर रही है। लब्बे लबाब ये कि बोस्तान स्टेशन में अप और डाउन दोनों साइड से आने और जाने वाली ट्रेन स्टेशन में उल्टी एंटर होती है। बहुत ज़्यादा शार्प कर्व है और इसीलिए इस कर्व की स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर थी और अब गाड़ी जो है वो फ्लैट जा रही है। पहले जी यहाँ से आई और अब यहाँ जा रही है। अच्छा गाइज, इसी तरह जब हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद फिर हम यहाँ से इस तरह कर्व करके उधर जाएंगे और इस लाइन से वापस आएगी गाड़ी, अप्रोच करेगी, मुसाफिरों को उतारेगी, चढ़ाएगी और वापस इसी लाइन से जाती हुई क्वेटा की तरफ जाएगी। तो मतलब ट्रायंगल बना हुआ है। मेरे पास ड्रोन कैमरा होता तो आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाता, तो आप भी इसको उस हिसाब से सोच सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। और बोस्तान स्टेशन पर मुझे यहाँ पर टर्न टेबल भी नज़र आ रहा है जो कि खस्ता हाल है, मतलब ये कि वर्किंग में नहीं है। बहुत पुरानी कोचेस वो भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मतलब ये कि पुरानी कोचेस का कब्रिस्तान है ये।